बहुत बातें कर रही लाली। बुढ़ापे में उन्हीं लोगों को रोटी मिल रही है, पता है कौन को? जिनकी आंखों में है शर्म। शर्म को मतलब घर में बहू बेटा आ गई है तो बड़े बूढ़े का अधिकार बनता है कि बाहर चौपाल पर बैठना। अब बड़ो बूढ़ो घर में उसी की रसोईया में बैठी की रोटी खाए, बहू कब तक पर्दा करेगी? तो आंखन में होए बोलो बोलो शर्म। आंखन में हो शर्म और जिब्या हो बोलो बोलो नरम। अगर बहु बेटा से कुछ गलती हो जाए तो बड़े बूढ़े का ये कर्तव्य बनता है, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे प्यार से समझा दे, बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। और कछु बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं, अगर लल्ला की बहुरिया तक कुछ गलती है गई, बस डायरेक्ट पता नहीं कैसे कैसे पासवर्ड लगाए हुए शुरू कर देते हैं, गालियां स्टार्ट, माँ बाप बहन किसी को छोड़ते ही नहीं, ये गलत। आखिर में हो शर्म जिब्या हो नरम, अगर कुछ गलती हो जाए प्यार से बहू को समझा दो, बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। आखिर में हो शर्म जिप्या होए गरम और जेब होए गरम तो रोटी मिले ही बननी मुंह देखत रहो। एक सेठ जी थे, बड़े पैसा वाले थे, और सेठ तो सेठ ही होते भैया, बड़े पैसा वाले उनके चार लल्ला थे, चारों लल्लन की शादी है कि घर में बहुरिया आएगी, सेठानी तो खत्म है गई लेकिन बहुरिया चारों बेटन की आएगी घर में, तो सेठ जी तो रोटी के लिए दुखी, एक बहु ना पूछ रही। तो एक दिन की बात, सेठ जी गांव के एक मुखिया से रोए, बोले भैया घर में चार चार बहुए होते तो हम भूखे प्यासे मरते हैं, रोटी खाने को नहीं मिलती, जब तक शरीर चलता रहा हाथ पैर चलते रहे तब तक बहू बेटा ने भी पूछा, अब हाथ में कुछ रहा नहीं इसलिए कोई नहीं पूछ रहा है। मुखिया हंस के बोले सेठ जी, बोले हाँ अगर तुम्हें कल तेई चने की रोटी मिल करे तो कैसी रहेगी? बोले भैया तो तेरो एहसान ही नहीं भूलूंगा। मुखिया बोले सेठ जी, बोले हाँ अभी मैं जा रहा हूँ कछु देर में, एक बक्सा में अगर रखो है खाली, बक्सा में ईट गुटैया भर के और तारो लगाए के लेके आए, ईट गुटैया भर के बक्सा को तारो लगाए के सर पे रख के लेके आए, हम तुमसे कहे सेठ जी जे सोनो चांदी वालो बक्सा अपने घरे रखे रहे या तुम लियो अपनो, और जे ऐसे समय पे हम कहे तुम्हारी चारो बहुएं सुन रही हो। बुढ़ी जवाब सही है। मुखिया चले गए, थोड़ी देर बाद लौट के आए, बक्सा में ईट गुटैया भल्ले तारो लगा लो, सेठ जी के दरवाजे पर खड़े हैं, आवाज लगाने लगे सेठ जी ईट गुटैया वो ये सोनो चांदी वालो बक्सा तुम अपो लियो कि हम ही रखे रहे। सेठ जी बोल लगे ले आ ले आ भैया ले आ, बहुत दिन है गए ते घरे रखे रखे, अब ला भैया भैया अमानत मोय सौंप दे। चारो बहुओं ने जब बात सुनी, चारों बहुआ बहुएं सोचन लगी, बारे बार हम तो न्यू सोच रहे दुपट्टा पे कछु है ही नहीं, जाको तो बक्सा भरो रखो है सोनो चांदी को। अब सेठ जी ने वो बक्सा लेके पे घरे रख लो। थोड़ी देर बाद एक बहु आई बड़ी वाली, सोचन लगी हम तो पहले कौन छोटी वाली चलेगी तो भाई दंदौलत ना ले ले। बड़ी भाई गई, बड़ी भाई बोली दादाजी दादाजी, वे बोले हाँ बहु बेटा, दादाजी दूध पियोगे या रबड़ी घोट लाऊं? सेठ जी सोचन लगे कि मुखिया को करंट काम करेगो, जवाब दो जब बताओ रबड़ी घोट लाए या फिर दूध पियो। बे बोले बहू बेटा जो तेरी मर्जी हो सो ले आ, जो तेरी मर्जी हो। उन्ने कहा करो एक किलो दूध की रबड़ी घोट के दुपट्टा को पिलाए दे। दूसरी आई, दूसरी बोली दादाजी, बोले हाँ रबड़ी घोटगी से कोई पिलाए, बड़े बूढ़े को जब तक चाय पीने को नहीं मिले तब तक बड़े बूढ़े को चैन नहीं पड़ते, चाय बनाए लाऊं? वे बोले बहू बेटा अगर तेरी इच्छा है तो ले आ।
उनने चाय पिलाई, तीसरी आई दादाजी, बोले हाँ रवड़ी चोई कोई खवाए चाय, चाय कोई पिवाए, बड़े बूढ़े को पेट तो दाल फुलकिया सही बत्तो है, दाल फुलका बनाए लाए, बोले ले आओ बहू बेटा दाल फुलका खाएगा। चौथी आई बोली दादाजी, बोले हाँ आज मन कर रहो है कि आलू की कचौड़ी और दही बनाया जाए, तुम्हें ले आओ, बोले बहू बेटा ज्यादा इच्छा हो तो ले आओ। अब तो भैया दुपट्टा दिन में एक बार रोटी भी नसीब नहीं होती थी, दिन भर में चार चार बार रोटी खातो मन को तो वो छह महीना में वो दुपट्टा काहे गयो, वो सेठ छह महीना में दोबारा से पट्टा बन गयो जवान खाएगा एक। अब सेठ जी बड़े खुश हैं, मुखिया से बड़ी मुखिया आते हैं, बड़े हंसे हंस के बातें करते हैं, भैया अच्छी बात बताई तूने, बड़ी सेवा है रही है मेरी तो, अब तो कपड़े धुले भाई मिले, प्रेस करे भाई मिले, इतनी सेवा है रही है। मुखिया बोले मैंने तुमसे कही थी ना मेरे काम करेगो जो भी मैं कहूं, मेरे उपाय जरूर काम करेगो। तो भैया धीरे 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 क्या भयो, काफी वर्षों तक सेठ जी ने खूब रवड़ी पी, खूब खाना खाओ, खूब चाय पी, खूब फुलका खाए। एक दिन के बाद धीरे धीरे सेठ जी का समय आ गया, तो सेठ जी का जब समय आ गया तो सेठ जी संसार से विदा हो गए। अब चारों लड़का इकट्ठे भाई, बोले भैया, बोले हाँ पिता की तेर भी होनी चाहिए, बोले जरूर होनी चाहिए, एक बोलो पिता की तेर भी के लिए 50,000 रुपए मैं दूंगा, काय के ऊपर कूद रहे हैं बक्सा की दौलत के ऊपर। दूसरे बोले 50,000 तू देगा, चल 1,00,000 रुपए मैं दूंगा। तीसरे बोलो 1,00,000 रुपए तू देगा, बोले हाँ, चल 70,000 रुपए मैं दूंगा। 70,000 मैं 1,00,000 दूंगा तू 70, बोले नहीं 70,000 नहीं, बोले फिर 1,20,000 रुपए मैं दूंगा, चल। चौथो बोलो तो तू दिया, चल 2,00,000 रुपए मैं दूंगा। लेकिन दावत ऐसी होनी चाहिए कि क्षेत्र में नाम हो जाए कि सेठ के बच्चों ने उनकी तेरवी की थी। अब काय के ऊपर कूद रहे, बक्सा की दौलत के ऊपर। अब भैया जिन पे रुपया नहीं थे उनने कज्जू कड़ुआ करी, करो इधर उधर से तुम तू अबार पद कर्जा लाओ करो। भैया सच में इतनी अच्छी दावत करी कि क्षेत्र में नाम हो गया सेठ के लड़कों ने सेठ की तेरवी दावत की। बहुत सब बहुत बढ़ाइयां कर रहे हैं, सारी क्रियाएं होने के बाद फिर बोले भाई अब तो सब कुछ हो गया, अब ऐसा करो जो बक्सा वाली दौलत है उसका बंटवारा किया जाए। बहुत दिन हो गए अब नहीं सहन कर पाऊंगी, एक बात बताऊं, एक बार के लिए भाई भले भी सहन कर ले कि दौलत चलो रखी देते हो, लेकिन जब कार्य मुड़ वही आ जाए ना इन्हें बिल्कुल चैन नहीं पड़े। बोले जब तक बंटवारा नहीं है जाएगा तब तक चैन नहीं बैठूंगी, 1 किलो ही तहते होते नहीं है जावे है नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, गुर्रा रही है लग रही है कब जावेगी यहाँ तक, कोई कोई तो न्यो कह रही होगी छोरी कब जाएगी ना तो मुंह बड़ी मेरे ऊपर बैर खाई गई है। लेकिन भैया एक बहू बोली है सुनो, बोले हाँ मुझे किसी का विश्वास नहीं है, सोना चांदी दौलत का बंटवारा करने के लिए किसी सुनार को बुलाया जाए। अब भैया सुनार को बुलाओ, जब सुनार को बुलाओ बोले भाई इस बक्से के अंदर दौलत है, इसे इसका बंटवारा करो, चार जगह करना है आपको, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बोले ठीक है। अब भैया सुनार आए, उनने बक्सा को एक तालो खोलो, भैया तो चारों थोड़े दूर दूर खड़े हैं लेकिन बहुएं बक्सा में घुसी जा रही, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, हैं एक उकी लेते होते होते ना आए जाए बताए देते। सुनार बोले तुम इतनी परेशान का है रही, जब हमें बंटवारे के लिए बुलाए रहो बुलाओ तो चारों जगह बराबर बंटवारा होएगा, तुम चिंता ना करो। अब भैया एक बक्सा खोलो, दूसरे बक्सा को तालो खोलो, मतलब बक्सा में दो ताले लगते हैं ना, एक तरफ का ताला खुला फिर दूसरे तरफ का ताला खुला। अब लेडी जी बोली ताले तो खुल गए, सागर जल्दी खोलो। अब उनने एक कुंडी खोली, दूसरी कुंडी खोली, और जैसे कुंडी खोली पट करो तो बाग के ऊपर कपड़ा पड़ो वो तो। अब लेडी जी बोली जल्दी कपड़ा हटाओ, जल्दी कपड़ा हटाओ। अब सुनार कह लगे तुम इतनी परेशान काहे को भाई, अरे जब बंटवारे को आए तो अच्छे से ही बंटवारा करूंगा, परेशान ना हो।
ओ भैया अच्छे से कपड़ा हटाओ, बाबा तो ईटो कुटा हुआ बरे। अब चारों खड़ी की खड़ी देखत रही, हाय दैया मैं तो मरे गई, दुकट्टा तो मत तो मत हमें लूट ले को, जाने तो मत तो मत भिखारी बनाएगी हमको, तो मैंने तो कच्चू कड़ुआ करके दावत करी। तासो कहते हैं भैया अगर बुढ़ापे में सेवा करानी होए तो हाथ मुट्ठी में कछु राखो। बड़े बूढ़े हो तुम तो, कह रही हो जो न कहियो, जे नई नई बैठी जो न कहियो, मारे बड़े बुढ़नों को कैसे सीख दे के जा रही है। ये सच है क्योंकि ये मतलब है, ये स्वार्थी दुनिया है। जब तक मुट्ठी में कुछ है तब तक तो हमारे हैं, हमारे हैं, खूब कहेंगे।